उस क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट बैठे थे। अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बहुत घबराते हुए प्रोफेसर से कहा, सर मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी, सर वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली। तो प्रोफेसर ने अचरज से कहा, अभी कैसे चुरा लेगा? बोले, सर अभी जो 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रख के गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है। प्रोफेसर ने कहा, उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है, इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में। प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि किसने घड़ी चोरी की। और प्रोफेसर ने कहा, सब लोग अपनी अपनी आंख में काली पट्टी बांधो। और सब ने काली पट्टियां बांध ली, लाइन से खड़े हो गए। प्रोफेसर ने एक एक करके सबको यूं हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की जेब में घड़ी मिल गई। प्रोफेसर ने चुपचाप घड़ी निकाली, घड़ी निकाल के जो मालिक था मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगी, किसी को नहीं पता चला। अगले 2-3 दिन तक वो लड़का घबराता रहा, हड़बड़ाता रहा, भयभीत रहा। उसको डर था मेरी बात आज खुल जाएगी, मेरा राज आज खुल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वो सब कॉलेज से निकल गए। बहुत साल बाद अब वो लड़का जिसने चोरी की थी वो अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुका था। कॉलेज का रियूनियन का फंक्शन था, वो उस फंक्शन में आता है, वो अब एक सेलिब्रिटी सा है। वो उस फंक्शन में आया और उसने अपने प्रोफेसर के पास जाके उसके पैर छुए। अब प्रोफेसर से कहा, सर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, बोलो। उसने कहा, सर मेरे जीवन पे आपका बहुत बड़ा कर्ज है, यदि आज मैं जिंदा हूँ तो आपके कारण। प्रोफेसर ने बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, सर आपको याद नहीं होगा, एक बार आपकी क्लास में घड़ी चोरी हुई थी और आपने सबकी जेब चेक की थी और मेरी जेब से वो घड़ी मिली थी, लेकिन सर आपने उस दिन वो बात किसी से नहीं की। मैंने निर्णय लिया था यदि उस दिन ये बात सबको पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सर आपने मुझे माफ़ कर दिया, उस दिन आपने मेरी इज्जत रख ली, उस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली। मुझसे गलती हो गई थी सर, लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया। आज मैं जहाँ भी हूँ सर उस लेसन की वजह से, मैं यदि जिंदा हूँ सर तो आपकी वजह से। और प्रोफेसर कहता है, अच्छा वो तुम थे क्या? तो लड़के ने अचरज से कहा, मतलब? बोले, उस दिन मैंने तुम सबकी आंखें तो बंद कराई थी, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी आंखों में भी पट्टी लगा ली थी ताकि मुझे भी नहीं पता चले मेरे कौन से स्टूडेंट ने ये काम किया है। मैं नहीं चाहता था मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नज़रों में हल्की हो या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूँ। ये सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो प्रोफेसर के गले लग के 2 मिनट तक रोता रहा। यही तो अद्भुत महानता है, किसी की गलती पता चलते हुए भी माफ़ कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका दे देना, पता होते हुए भी कि ये कल्प्रिट है उस वक्त जाने देना ताकि उसको सुधरने का अवसर मिल सके, अपना चेहरा ऊंचा करके चलने का अवसर मिल सके। आज के इस युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी की गलती ढूंढ रहा है, परिवार में माँ बाप की गलती, भाई की गलती, जीवन साथी की गलती, ऑफिस में बॉस की गलती, कलीग्स की गलती, कुछ और नहीं हुआ तो देश की गलती, समाज की गलती, राजनीति की गलती, सरकार की गलती, सबकी गलती ढूंढ रहा है, ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे को माफ कर सके? माफ करना और माफी मांगना ये कायर नहीं कर सकते, ये शक्तिशाली लोगों का काम है। साथियों, इस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया, एक प्रोफेसर जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नजरों से गिरे, जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट किसी और की भी नजरों से गिरे, क्या ऐसे लोगों की समाज को जरूरत नहीं है जहां पर हम लोगों की गलतियां होने के बावजूद उनको इंसान मान के, उनको मिट्टी का पुतला मान के उनको माफ कर सके? हमारे भाई से गलती हुई, हमारे पार्टनर से गलती हुई, हमारे जीवन साथी से गलती हुई, हमारे किसी और फैमिली मेंबर से गलती हुई, रिलेटिव से गलती हुई, कलीग से गलती हुई, मोहल्ले में, कॉलोनी में, स्ट्रीट में रहने वाले किसी से गलती हुई, समाज के किसी अंग से गलती हुई, एक दो बार माफ कर दो, जाने दो ना उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। गलतियां ढूंढना महानता नहीं है, गलतियों को इग्नोर करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना महानता है। यदि आप भी हर दिन ये गलती करते हैं, अपने आसपास के लोगों का दोष ढूंढते हैं,